ये आपके बाजार में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा 10 रुपए का। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 250 मिलीलीटर वाटर। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है, उसे हमने गर्म करने के लिए रख लिया है इंडक्शन पर। तो अब हम इसमें डाले थे जो हमने 250 मिलीलीटर वाटर लिया था। जैसे ही हमारा पानी बॉईल होने लगेगा इसके बाद हमें हॉट डाल लेते हैं। नूडल्स से हम पैक फाड़ के रख लेना है। हाँ, पैक फाड़ के हमने रख लिया है। पैक को हमें बॉईल होते हुए पानी में डाल देना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मसाला भी चला गया था, इसी वजह से आप मसाला पहले नहीं डाल के रख लेना। बस 3 मिनट तक पकाना है और अब हम इसे चला लेते थोड़ा। इसका जो फ्रेंड्स हमारे पास मसाला आया था उसे हम इसे काट के इसमें डाल दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे डाल लिया है। हम इसे तो जो इसका मसाला होता है इसमें ऑलरेडी नमक होता है, इसमें आपको डालने की नमक नहीं डालनी होती है। 3 मिनट के चरम में बीच बीच में चलाते रहे रे, ताकि हमारे ये इंस्टेंट नूडल्स अच्छे से पक के रेडी हो जाए। हमारे ये हॉट गार्लिक इंस्टेंट नूडल बन के रेडी हो चुका है 3 मिनट में। अब हम इसे बंद करके एक अच्छी से सुंदर सी प्लेट में सर्व करेंगे। हमारा हॉट गार्लिक इंस्टेंट नूडल्स बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाउल में सर्व करेंगे। सर्व हम इसे सूप के साथ करेंगे तो ये खाने में भी अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, ये देख सकते ही है आप, ये इतना यम्मी और टेस्टी लग रहा है दिखने में, तो खाने में इतना टेस्टी लगेगा। और इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। इतना छोटा है लेकिन ना भूलना हमको वाचन। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही इंस्टेंट और इजी रेसिपी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कमेंट करते जरूर। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहिए, नई नई रेसिपीज का लुत्फ उठाते रहिए। तो फिर से मिले रहे एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो, एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी।